महाराष्ट्र सरकार ने नौकरशाही में फेरबदल करते हुए शुक्रवार को मुख्य सचिव मनोज सैनिक की पत्नी सुजाता सोनिक सहित IAS के 20 अधिकारियों का स्थानांतरण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी सुजाता सैनिक को गृह विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके के उपटन पुलिस स्टेशन की जुडिरिक्शन में समुन्द्र किनारे एक महिला की सरकटी लाश मिली। पुलिस ने बताया कि एक मछुआरे को बैग में संदिग्ध चीज दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस को बताया गया और उसमें से महिला की लाश मिली। महिला के हाथ पर ओम और त्रिशूल का टैटू बना हुआ है। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 280 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हादसे के बाद बचाव और राहत का कार्य जारी है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। हादसे की वजह से कई ट्रेनें आज कैंसिल हो गई। देशी नहीं विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। शनिवार को होने वाली गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले थे। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद ये फैसला लिया गया। इस इवेंट में मडगांव स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आने वाले थे, मगर उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे को देखते हुए भाजपा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम होने वाले थे वो टाल दिए। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने एक ट्वीट पोस्ट किया और विनाशकारी दुर्घटना पर अपना दर्द व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। मणिपुर के वेस्ट इम्फाल जिले के 2 गांवों पर शुक्रवार रात को कुकी समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कुकी समुदाय के लोगों ने मॉडर्न हथियारों और बमों के साथ अटैक किया। उधर विष्णुपुर जिले के पोम्बी खोक से भी हिंसा की जानकारी मिली है। पंजाब के साथ लगती भारत पाकिस्तान सरहद पर होने वाली हेरोइन तस्करी को एक बार फिर BSF के जवानों ने रोका है। अमृतसर में जवानों को तकरीबन 35 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली है, जिसे पाकिस्तानी तस्करों की तरफ से भेजा गया था। BSF के मुताबिक 2 से 3 जून की मध्य रात्रि को जवान सरहद पर गश्त कर रहे थे, तभी गांव राय के करीब उन्हें ड्रोन की आवाज सुनाई दी। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास 4 बम होने की सूचना मिली। शुक्रवार देर रात पुलिस कंट्रोल रूम पर आईफोन के बाद पुलिस अलर्ट हो गई और रात भर सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस को इस पूरी कार्रवाई में बम तो नहीं मिले, लेकिन एक निहंग और उसके 4 बच्चों को हिरासत लिया गया। सूचना है कि इन्होंने ही ये शरारत की थी। हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद आज से हल्की राहत के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 72 घंटे तक वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में 6 जून तक धूप खिलने के आसार हैं, मगर 7 जून से दोबारा बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं में मौसम पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मनोज बाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है अब थिएटर्स में भी रिलीज हो गई है। OTT के बाद थिएटर्स में रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म है। जाहिर है कि 23 मई को फिल्म Z5 पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई थी। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फिल्म को लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स सुनने और देखने को मिल रहा था।